हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम भैकार सिंह। डियर फ्रेंड्स, देखिए आज आपके जो ग्रामर का टॉपिक है, एक्सिलरीज एंड मॉडल्स वर्ब का टॉपिक है। और देखिए, इसमें हम आपको बहुत ही छोटी छोटी जो बातें हैं और जो आप डेली सेंटेंस में यूज़ करते हैं पर उनसे आप अच्छी तरीके से अवगत नहीं हैं, आज वही हम आपको बताएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। ओके, तो कम टू द पॉइंट, एक्सिलरीज एंड मॉडल्स। तो काइंड्स ऑफ एक्सिलरीज वर्ब, सहायक क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब्स इज इक्वल टू एक्सिलरीज वर्ब्स, दो प्रकार की होती हैं। नंबर ए, प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब, प्राथमिक सहायक क्रियाएं, और नंबर दो, मॉडल एक्सिलरीज, विधि सूचक सहायक क्रियाएं। मॉडल एक्सिलरीज को आजकल मॉडल्स भी कहा जाने लगा है। नंबर ए, प्राइमरी एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज, इसके अंतर्गत केवल बी, इज, एम, आर, बाज, बर, हैव, हैव, हैज, हैड तथा डू, डू, डज, डिड के विभिन्न रूपों का वर्णन होता है। तो इस प्रकार हमारी प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब की टोटल संख्या हो जाती है 5 और 6, 11। ठीक है, बी की इज, एम, आर, बाज, बर, और हैव की हैव, हैज, हैड 3, और प्लस डू की डू, डज, डिड 3। तो इस प्रकार हमारी प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब की संख्या कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल देखेंगे। नंबर ए, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, वी आर प्लेइंग हॉकी, यू आर वॉथिंग इन द रिवर, द बॉय इज वीपिंग, ही वॉज रीडिंग ए बुक, दे वर गोइंग होम। अब देखेंगे इन सेंटेंसों में, आप देखेंगे कि यहाँ जो आपकी वर्ब बी, इज, एम, आर, बाज वर्ब का जो यूज हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब के तरह हो रहा है और इनका प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज हो रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि इन एक्सिलरीज वर्ब का यूज कहाँ कैसे हो रहा है। अब देखेंगे, पहले ए वाले में देखेंगे, पहला सेंटेंस, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा हूँ। तो एम क्या है, एक्सिलरीज वर्ब, लेकिन इससे आगे क्या है, सिंगिंग, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, तो ये मेन वर्ब से पहले इसका यूज हो रहा है। तो ये सेंटेंस किसका हो गया आपका, किस टेंस का सेंटेंस हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो इसका यूज़ जो होता है प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है वर्ब बी का। ओके, देखिए उपयुक्त वाक्यों में बी क्रिया के विभिन्न रूपों, इज, एम, आर, बाज वर्ब का प्रयोग है। अब देखिए बी, नंबर वन, आई हैव डन द वर्क, ही हैज सॉल्वड हिज हॉकी, ही हैड रीच द कॉलेज बिफोर द बेल रिंग। अब देखेंगे आप इस बी वाले सेंटेंस के, बी में जो तीन सेंटेंस हैं इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैव का यूज़ हुआ है, लेकिन ये किस में यूज़ होती है, अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस में इनका यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये मेन वर्ब से पहले इनका यूज़ हो रहा है। जैसे आई हैव डन द वर्क, मैं काम कर चुका हूँ। तो देखिए डन ये वर्ब की वर्ब मेन वर्ब है और इसमें हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि एक्सिलरीज वर्ब है। तो इसी प्रकार आप हैज और हैड को समझ रहे होंगे। तो इन वाक्यों में हैव क्रिया के विभिन्न रूपों, हैव, हैज, हैड का प्रयोग किया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए हम जो हैं एक्सिलरीज वर्ब को आपको बस यही समझाना चाह रहे हैं कि इसका जो यूज़ है कहाँ, कैसे और किस टेंस में होता है।
कि सेंटेंस किस टेंस के सेंटेंस में इनका यूज होता है। ठीक है, अब देखिए सी, डू यू लाइक एप्पल्स, डज सी नॉट वर्क हार्ड, डिड रवि हेल्प द ब्लाइंड मैन। अब देखिए यहाँ डू की तीनों जो फॉर्म, तीन जो वर्ब हैं डू में, डू डज डिड का यूज़ हुआ है, और ये देखिए किसमें हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में इनका यूज़ हुआ है। जैसे डू यू लाइक एप्पल्स, क्या आप एप्पल्स पसंद करते हैं, और डज सी नॉट वर्क हार्ड, क्या वह कठिन परिश्रम नहीं करती। तो देखिए डज और डू क्या है ये, और डिड क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब इसमें अलग अलग हैं। जैसे डू यू लाइक, लाइक क्या है मेन वर्ब, और शी डज सी नॉट वर्क हार्ड, तो वर्क क्या होगी इसमें मेन वर्ब हो गई। तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरीज वर्ब कौन सी है और उनका किस टेंस के सेंटेंस में यूज हो रहा है। तो इन वाक्यों में डू क्रिया के विभिन्न रूप डू डज डिड का प्रयोग किया गया है। अब देखिए प्राइमरी एक्सिलरीज एंड मेन वर्ब्स, आप क्या देखेंगे, प्राइमरी एक्सिलरीज एंड मेन वर्ब्स। अब देखिए प्राइमरी एक्सिलरीज और मेन वर्ब्स इज एम आर वाज वर हैव हैज हैड डू डज डिड का प्रयोग प्राइमरी एक्सिलरीज तथा मेन वर्ब दोनों रूपों में हो जाता है। अब देखिए प्राइमरी जो एक्सिलरीज हैं इसका क्या है, दोनों रूपों में प्रयोग होता काय में, प्राइमरी एक्सिलरीज में भी और मेन वर्ब में भी। अब देखेंगे प्राइमरी एक्सिलरीज और मेन वर्ब। अब देखिए आई हैव अलोन माय वर्क, हाँ अब देखेंगे पहला वाला, आई हैव डन माय वर्क, देखिए मैं अपना काम कर चुका हूँ। अब देखिए डन क्या है यहाँ मेन वर्ब, और हैव क्या है यहाँ एक्सिलरीज वर्ब है। ठीक है, ये प्राइमरी एक्सिलरीज में क्या है, आई हैव डन माय वर्क, तो हैव क्या है यहाँ, हैव यहाँ प्राइमरी एक्सिलरीज है क्योंकि इसके बाद क्या है मेन वर्ब डन है। अब देखिए नेक्स्ट मेन वर्ब में, आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, तो हैव यहाँ क्या है, यहाँ मेन वर्ब है। ठीक है, तो बस आपको यही समझना है कि ये कब और कहाँ, यानी कि टेंस के अनुसार इसका यूज़ किन टेंस में होना है, और कहाँ ये एक्सिलरीज वर्ब होगी और कहाँ मेन वर्ब हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट, सी डिड नॉट गो, सी डिड इट, ही इज प्लकिंग फ्लावर्स, ही इज ए गुड प्लेयर। तो यहाँ देखिए ये जो हैं मेन वर्ब और एक्सिलरीज वर्ब दोनों का काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब आप अच्छी तरीके से इसका जो डिफरेंस है, उसका जो यूज़ है, आप समझ गए होंगे। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। ओके, गुड बाय।